Jai Hind Defence Aspirants! Welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe to our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important lecture topic on fostering defence export ecosystem. it is very important for your upcoming SSB and AFSB perspective. So let's get started with our topic. See, अगर हम बात करें जैसे कि हमारी government shift कर रही है from viewing India as a net importer to a net exporter over the past few years, means India एक ऐसी country है जो सबसे ज्यादा defense equipments को import करती है So हमारी government ये जो shift है इसको importer से exporter में यू नो चेंज करना चाह रही है काफी सालों से बट डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें क्वांटम जंप देखने को भी मिला है इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट रीच किया है अराउंड 1.6 बिलियन डॉलर इन 2022 एंड बाय 2023 इट विल सरपास 2.2 बिलियन डॉलर बाय द एंड ऑफ 2023 वी कैन से ये जो क्रेडिबल एफर्ट है विद अ सूटेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क जो गवर्नमेंट ने बनाई है उसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं उसकी वजह से हम एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को फ्रेगमेंट कर पा रहे हैं एक्सेप्शन भी है लाइक एक्सेप्शन बीइंग ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट टू द फिलीपींस अब देखो ये जो अचीवमेंट है उसको हमें सेलिब्रेट करने की जरूरत है और ये भी बहुत जरूरी है जानना कि या फिर सीखना जो मिस्ड डिफेंस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज हमने मिस की हैं बेसिकली देखो हमने काफी सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स को एग्जीक्यूट किया है सक्सेसफुली और स्ट्रेंदन किया है बिजनेस इकोसिस्टम को सो so ये टाइम है अभी कि हमें इस एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है ओके okay, अब आप यहां पे देख सकते हो कि कितना टारगेट सेट किया है इंडिया ने 2025 तक कि वो 35000 करोड़ एनुअल डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे ओके okay. क्या है स्टेट ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया देखो अगर हम इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट स्टेटस की बात करें वो रिसेंट ईय में इंप्रूव हो रहा है विद कंट्री एमर्जिंग एज अ टॉप यू नो इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स टू यू नो दे आर गोइंग टू एक्सपोर्ट द व्हाट डिफेंस इक्विपमेंट्स टू अदर कंट्रीज सो हम ये कह सकते हैं हमने काफी सारे मिस्ड अपॉर्चुनिटीज को देखा बट इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 2021 से 22 20 के बीच में 13000 करोड़ एस्टिमेट किया गया है जो कि बहुत ज्यादा है प्राइवेट सेक्टर ने अकाउंट किया है 70% ऑफ द एक्सपोर्ट जबकि पब्लिक सेक्टर फॉर्म अकाउंटेड फॉर द रेस्ट इंडिया ने सक्सेसफुली एक्सपोर्ट किया है प्रोडक्ट्स को सच एस पर्सनल प्रोटेक्टिव आइटम्स ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स एवियोनिक्स टू द कंट्रीज लाइक मालदीव्स श्रीलंका रशिया फ्रांस नेपाल मॉरिशस श्रीलंका इजराइल इजिप्ट द यूएई एंड यू नो चिले तो हमें जो है वैल्यू बढ़ाने की जरूरत है अपने डिफेंस एक्सपोर्ट की और लार्जर मार्केट को टारगेट करने की जरूरत है जिसमें हम कह सकते हैं फाइव बिलियन एक्सपोर्ट सेट फॉर द्वेंटी 2025 सो so दैट हम इस टारगेट को अचीव भी कर पाए इंडिया जो है फेल हो रहा है किस चीज में कन्वर्ट करने में इंटरेस्ट फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर वियतनाम इजिप्ट ब्राजील इंटू बिजनेस एक्शन फॉर प्रोडक्ट जैसे ब्रह्मोज एंड आकाश मिसाइल ये ने अपना इंटरेस्ट तो दिखाया है में, लेकिन इंडिया अभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाया है इंडिया देखो अनसक्सेसफुली रहा है बिग नेवल डिफेंस ऑर्डर में भी फ्रॉम कंट्रीज सच एस ओमान म्यामार मोरशियस एन वो क्या है चैलेंजेस इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के साथ

एक तरीके से खत्म या फिर लिमिट कर देती है ग्लोबल डिफेंस मार्केट में हर्डल्स, इंडिया का डिफिकल्ट हो जाता है एक्सपोर्ट एक्सपोर्टर्स को नेविगेट करना लैक ऑफ क्लियर पॉलिसी इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो, वो वेल डिफाइंड नहीं है जो कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स के लिए

उसके अलावा दूसरा इनिशिएटिव है नोटिफिकेशन ऑफ फोर पॉजिटिव इंडिजेशन लिस्ट किस चीज की सेक्टर अंडरटेकिंग पॉजित्व पॉजित्व देखो जो ये सिंप्लीफाई कर देना चाहिए सिंप्लीफिकेशन की जा रही है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोसेस की विद लॉन्ग वैलिडिटी पीरियड रैशनलाइज किया जा रहा है डिफेंस के प्रोडक्ट लिस्ट को जो कि इंडस्ट्री के लाइसेंस को जिसकी जरूरत पड़ती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिबरलाइजेशन की जरूरत है जिसकी वजह से 74 ऑफ एफडीआई ऑटोमेटिक से जा रहा है लॉन्च ऑफ मिशन डिफेंस स्पेस अदर देन दैट आल्सो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस स्कीम को लॉन्च किया गया है स्टार्टअप एम एस एम ई में देन इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक प्रिक्योरमेंट ऑर्डर टू थाउजेंड सेवेंटीन Of portal, to MSMEs. Of two जो की एक उत्तर प्रदेश में दूसरा तमिलनाडु में किया गया नेक्स्ट इज कैसे हम इस बूस्ट को इसको बूस्ट कर सकते हैं या फिर अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं नंबर वन इज डेडिकेटेड एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के <laughs> देखो अब डेडिकेटेड डिफेंस दिफ, एक्सपोर्ट एक्स, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे जिसमें हम ट्रेनिंग दें हैंड होल्डिंग करें मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें पीएसयूस को ट्रेन करें उनको एंगेज करें इंटरनेशनल बिजनेस में प्रायोरिटी बेसिस पे बिकॉज मेजोरिटी ऑफ ऑफिसर्स जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पास काफी लिमिटेड नॉलेज होती है स्किल सेट होता है टू मैनेज इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होना चाहिए जो स्पेसिफिकली एड्रेस करे डिफेंस सेक्टर की नीड को जहां पे एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफिसर्स जो हेल्प कर सकता है इन अंडरस्टैंडिंग द पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट दूसरे कंट्रीज के भी जो कि डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में इंडल्ज है ये काफी जरूरी है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए फेमिलियर होना इंटरनेशनल ट्रीटीज प्रोटोकॉल्स के साथ जैसे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप ऑस्ट्रेलिया ग्रुप मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजम वासना ग्रुप

ट्रेडेयर्स बायोसेलामीजन इंडियन मिशन जो है एब्रॉड में वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं सिर्फ अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने में नहीं बट उनको बेसिकली टैप करने में विद डेडिकेटेड डिप्लोमेटिक सपोर्ट

अपना प्रोस्पेक्टिव फाइंड फ्रेंडली अगेंस्ट पोटेंशियल एक्सपोर्ट ऑर्डर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें फाइटर एयरक्राफ्ट फॉर इजिप्ट और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम फॉर बांग्लादेश अंडर जॉइंट को डेवलपमेंटल अरेन्जमेंट सो गाइस दैट वाज ऑल आई होप यू लाइक इफ यू लाइक इट डो लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब्यूब चैनल एस एस पी सक्सेस गाइज यूर लाइक्स एंड कमेंट मोटिवेट आस टू मेक मोर एंड मोर वीडियो ऑन टाइम थैंक यू एवरी